चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चे? मैं रोशन आरा, गवर्नमेंट उर्दू यूपीएस स्कूल प्लानशाइट के असिस्टेंट टीचर आप लोगों को क्लास 8 में उर्दू पढ़ाऊंगी। मैं सरकार के जरिए बनाए गए ऑनलाइन यूट्यूब क्लास को खुश आमदीद कहती हूँ। बच्चे, आज हम लोग जितना पढ़ चुके थे क्लास जब आप लोगों का चल रहा था, बाकी हम ऑफलाइन में भी थोड़ा सा आप लोगों को जो क्लास में पढ़ाए, लेकिन उस वक्त पता है सबका नेटवर्क नहीं रहने की वजह से क्लास सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए अब हम लोग इस तरह वीडियो बनाकर आपको हम इसका लिंक भेजेंगे और आप इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग इससे पहले टोटल कंप्लीट कर चुके हैं, मुसरदे अमन हम पढ़ाए थे उस वक्त जूम क्लास में ऑनलाइन में, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, यह हमारा सब्जेक्ट होता है सीता की आम आजाई। सीता कौन थी? सबसे पहले सीता, आप रामायण जानते हैं, हिंदुओं का एक धर्म है कि किताब है रामायण। तो उनके राम जो हैं, उनका राम जो एक देवता है, वो उनकी बीवी है सीता। तो उनकी बीवी जो सीता है, तो उनके धर्म में भी सबके धर्म का अपना अपना कुछ ये होता है। उसी तरह रामायण में राम को 14 साल का वनवास हुआ था। तो उस वनवास में रामचंद्र जी अकेले जा रहे थे और उनकी जो बीवी है, जो पत्नी है, वो सीता को छोड़कर जा रहे थे। तो उस पर सीता रोने लगती है और अपने शोहर से आवाजाही, यानी जो मन्नत करती है, तो उसको आवाजाही। इस शायर को हमारे सरवर जहां आबादी लिखे हैं, सीता की आवाजाही को वो बहुत अच्छे तरीके से एक नज़म बनाकर लिखे हैं, है ना। पहले हम देखते हैं सरवर जहां आबादी कौन थे। ये नज़म सरवर जहां आबादी की है, जो हुब्बुल वतनी, जज्बात निगारी और उर्दू असर पर बनी शायरी के लिए मशहूर है। दरगाह सहाय नाम और सरवर तखल्लुस था। 1837 ईस्वी में जहाँआबाद जिला पहली भीत के एक कासिद खानदान में पैदा हुए। अफसोस कि इन्होंने सिर्फ 37 साल की उम्र में 1910 में इंतकाल किया, यानी सिर्फ 37 साल तक हयात रहे, उनकी उम्र बहुत कम रही। इस कम उम्र में उन्होंने उर्दू का जो वक़ा अरबी समाया हमारे सामने पेश किया है, वो इन्हें जिंदा जावित होने की सन अदा करता है। यानी वो इतने कम उम्र में जो शायर सब हमारे सामने पेश किए, यानी लिख कर दिए हैं, वो उनका क्या करता है, उनका जिंदा जावेद का सन अदा करता है, उनकी खूबसूरती यानी उनकी महक का पता चलता है, उनकी लिखावट का। देखिए वो इस शायर में सीता की आवाजाही को बयान करते हैं, यानी सीता जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे, और वनवास तो सिर्फ रामचंद्र को हुआ था ना, सीता को नहीं हुआ। इसलिए रामचंद्र जी चाहते थे कि हम अकेले जाए और सीता को नहीं लेकर जाए। तो सीता उनसे बहुत रो रो के आवाजाही करती है, हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हम साथ ले चलो, नाजुक है मेरा शीश है दिल टूट जाएगा, छोटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा, रातें ना कट सकेंगी अकेले फराक की, कड़ियां वो जिसने झेली हो झेले फराक की, किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, स्वामी मुझे ना तुमने नजर से किया जुदा। जब रामचंद्र जी जाने के लिए तैयार होते हैं, तो सीता क्या बोलती है, हमरा अपने मन को मुझे नाथ ले चलो। हमरा के माने हम सफर, हमरा के माने हम सफर, बन माने जंगल। मैं पहले ही मीनिंग लिखी हूँ ताकि आप लोगों को समझने के लिए शायर को बहुत आराम होगा। देखो हमरा के माने हम सफर, बन के माने जंगल। वो क्या बोलती है, हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, नाथ के माने आका या शौहर। वो अपने शौहर से आजिजी करती है कि हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ। रेखा के माने बहुत हिंदी है रेखा लफ्ज, ये उर्दू में निशान या लकीर के माने आते हैं, पर यहाँ पे निशान या लकीर से ये मुराद होता है कि वो चरणों की रेखा है। किसकी? रामचंद्र की। रामचंद्र की चरणों की रेखा है। सीता जी बता रही हैं कि मैं तुम्हारी चरणों की रेखा हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। रातें ना कट सकेगी, नाजुक है मेरा शीशे दिल टूट
मेरा, जब वो बोलती है सीता जी क्या बोलती है, नाजुक है मेरा शीशा है, दिल फूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा, यानी तुम अगर मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा शीशा है दिल टूट जाएगा, और मेरा तुम्हारा साथ छूटने की वजह से मैं अकेली तन्हा पड़ जाऊंगी, रातें न कट सकेंगी अकेले फराक की, कड़ियां वो जिसने झेली हो झेले फराक की, वो बोलती है रातें न कट सकेगी फराक की, फराक के माने यहाँ पे होता है जुदाई, फराक के माने होते हैं जुदाई। वो क्या बोल रही है सीता जी, रातें न कट सकेंगी अकेले फराक की, यानी मेरा ये रात अकेलापन में नहीं कट सकेगा, कड़ियां वो जिसने झेली हो झेले फराक की, यानी वो पल वो लम्हा जो जुदाई का झेला है वो नहीं झेल सकेगी, किस्मत ने जब से बाप के घर को किया जुदा, यानी सीता जी कहती हैं रामचंद्र जी से कि किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, यानी मैं अपने बाप के घर से जब तुमसे शादी होकर तुम्हारे पास आई, स्वामी मुझे ना तुमने नजर से किया जुदा, यानी स्वामी के माने शौहर, अपने शौहर से बोलती है कि स्वामी ना तुमने मुझे नजर से किया जुदा, यानी जब मैं अपने बाप के घर से शादी होकर आपके घर में आई तो आप हमेशा मुझे अपने नजरों के सामने रखिए, आज आप मुझे अपने नजरों से कैसे जुदा कर सकते हैं, आप मुझे जुदा नहीं कर सकते, इसलिए वो सीता जी वो आवाजारी करती है। ये हमारा एक पैराग्राफ है, आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे और इसका मीनिंग याद रखेंगे, इसके बाद दूसरा पैराग्राफ हम फिर आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है, आप इसको पढ़िएगा और इसका मीनिंग अपने कॉपी पे क्वेश्चन आंसर कॉपी पे लिख लीजिएगा, और चूंकि ऑफलाइन क्लास नहीं हो रहे, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आपको घर पे पढ़ना है, बाकी इसके जो पैराग्राफ बच गए हैं इसको आप पढ़ के रखिएगा, ये आपको होमवर्क है, हम फिर आगे आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है, अपने घर पे रहिएगा, बाहर नहीं निकलना है, अगर बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।